मैं पूर्णिमा मेहरा राहिरा न्यूज चैनल के दोपहर के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। गोलियों की आवाज से दहल उठा बाजपुर का पिपलिया गांव। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल, ग्रामीण मरीजों को डोली पर ले जाने को मजबूर। बालाकोट के विद्यालय में शिक्षक के अभाव में भड़के लोग। पौड़ी के अपोला की सरपंच का सचिव पर फर्जी साइन का आरोप। बाजपुर में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का डंडा। अब खबरें विस्तार से। करीब 1.5 करोड़ के लेन देन को लेकर हुए विवाद में बाजपुर के पिपलिया गांव में मंगलवार देर रात दो पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली, जिससे एक युवक की मौत हो गई व कनिष्ठ प्रमुख समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि बाजपुर कोतवाली में दोनों पक्ष की ओर से FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कल रात पुलिस को सूचना मिली कि पिपलिया गांव है, जो सुल्तानपुर पट्टी बाजपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर जो नेत्र प्रकाश का घर है, वहां घर के बाहर और ये दोनों पक्षों में, दो पक्ष हैं, एक अविनाश शर्मा है, एक नेत्र प्रकाश शर्मा है, उन पर आपस में गोलीबारी हो रही है। और मौके पर पुलिस गई तो एक पक्ष तो भाग गया था, लेकिन वहाँ पर दूसरा पक्ष था जिसने ये बताया, नेत्र प्रकाश शर्मा जिसका घर था, कि अविनाश शर्मा और बाकी लोग वहाँ पर आए थे और गोलीबारी हुई। जवाब में इन्होंने भी जो है हवाई फायर किया इस तरह से, तो दोनों तरफ से जो फायरिंग हुई उसमें जो है एक व्यक्ति जो कुलवंत सिंह था उसकी मृत्यु हो गई, और क्योंकि वो हॉस्पिटल ले जाकर ले जाते ही उनकी डेथ हो गई थी, और बाकी 3 लोग और भी इंजर्ड हैं जिनका भी इलाज चल रहा है। इस सूचना पर दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर आई है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और अभी विवेचना जा रही है, तो सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि किस तरह से जो है गोलीबारी हुई और किस पक्ष की गोलीबारी में जो है उस कुलवंत सिंह जो डेथ हुई है उनकी डेथ हुई। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? अरे पोता किसका है? देवर्मन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए, देवर्मन चिप्स टैंगी टोमेटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवर्मन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर्स हैं रेस में पार्टनर? 2। देवर्मन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। बाजपुर में नगर पालिका की टीम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सड़क किनारे लगे फ्लैग्स को उखाड़ कर कब्जे में ले लिया गया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। ये अतिक्रमण हमारा अभियान हमारा पिछले हफ्ते से चल रहा है, चूँकि आज हमें फोर्स मिल नहीं पाई, फोर्स कहीं व्यस्त थी, नहीं तो SDM साहब और पुलिस को भी आना था, संयुक्त रूप से अभियान चलाने की बात हुई थी, लेकिन आज हमने फिर जब फोर्स नहीं थी तो ये लगा कि आज चेतावनी दे देते हैं लोगों को, जिन्होंने सड़क पे सामान रखा हुआ है और चलने के लिए बिल्कुल भी सड़क नहीं बची हुई, रोड तक लोगों ने सामान रखा रहा, कम से कम लोगों के आने जाने का और साथ में रहने का रास्ता तो छोड़ना चाहिए। इसलिए आज हमने ये कहा कि भैया सामान जो है आप अपने जहाँ तक आपकी दुकान है वहाँ तक आप सामान रखो, उससे बाहर जो है लोगों को आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दो। JK डांस फाउंडेशन की जानवी व कोरियोग्राफर हैरी की एक और उपलब्धि से काशीपुर सहित पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। विगत दिनों जानवी ने हरिद्वार में हुई नेशनल स्पोर्ट्स डांस चैंपियनशिप में सोलो कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल कर पदक प्राप्त किया। बांग्लादेश से भारत पहुंचे रोहिंग्या मुसलमान अब उत्तराखंड में भी पसारने लगे हैं। अब उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों के बाद रोहिंग्या उत्तराखंड के हल्द्वानी व उधम सिंह नगर के रास्ते नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ तक आसानी से पहुंच रहे हैं, जिससे प्रदेश की सुरक्षा के साथ ही संप्रभुता के लिए भी एक चुनौती सामने आ रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अपन को लेके बहुत जिले में पूरे सभी थानों की क्राइम मीटिंग के दौरान ही हम लोगों ने इसमें अभियान चलाने का घोषणा कर दी थी। सभी थाना इंचार्जों को इसमें व्यक्तिगत रूप से इसमें LIU की टीमों के साथ इन्वॉल्व किया गया, और अभी तक 3,000 से ऊपर हमारे यहाँ सत्यापन हो चुके हैं। इसमें और तेज़ी लाई जा रही है, और इसमें आपका जो है जो मकान मालिक हैं जिनके यहाँ सत्यापित व्यक्ति नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। आपके शहर काशीपुर में एक बार फिर आ गया है दिल्ली वाले दिलीप सक्सेना जी का दिल्ली चाट भंडार। काशीपुर के चैती मेले की शान 1960 से आपकी सेवा में तत्पर, ऐसा स्वाद जो सदा रही याद, नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी। दिल्ली चाट के वर्षों से लाखों हैं दीवाने। दिल्ली चाट भंडार पर उच्च गुणवत्ता युक्त फ्रेश आलू टिक्की, आलू चाट, पाव भाजी, रुमाली सोया चाप, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, दही भल्ले, मसाला डोसा, चाउमीन, पनीर टिक्का, गोलगप्पे, कुल्फी, चुस्की आदि उचित दाम पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
खटीमा में नागरिक चिकित्सालय व विकास खंड में जल की आपूर्ति न होने के कारण अस्पतालों में पहुँचने वाले मरीज व ब्लॉक में पहुँचने वाले ग्रामीण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए विकास खंड खटीमा के वीडीओ ने जल की अव्यवस्था को जल्द ही दुरुस्त करने की बात कही। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। जी, विकास खंड परिसर में जिन भी पेयजल संबंधी जो भी हमारे आपूर्ति होती है उसके लिए जहाँ पे भी हमारे वाटर टैंक लगे हुए हैं या जहाँ पे पीने के कनेक्शन है, पानी पीने का पानी का कनेक्शन है, उनको अभी शीघ्र ही दुरुस्त किया जाएगा, उनकी मरम्मत करवा ली जाएगी ताकि विकासखंड परिसर में जो भी व्यक्ति अपने कार्य के लिए आए तो उन्हें यहाँ पर उन्हें शीतल जल हमेशा उपलब्ध हो सके। नई पाइपलाइन जल्दी डलने वाली है और कुछ समरसेबल भी छोड़ रही है, और अगर हमारे अस्पताल में अगर पानी की कमी तो बहुत दिक्कत वाली बात है। मैं सीएमएस मैडम से भी बात करूँगा कि इसकी जल्दी से जल्दी उनकी व्यवस्था करें ताकि हमारे जो मरीज हैं और तीमारदार हैं उनको कोई परेशानी ना हो। ये सेंड करूँगा ब्लॉक में भी जाकर वीडियो से अपने निर्देशित करूँगा और किसी माध्यम से उसको भी ठीक करूँगा, क्योंकि ब्लॉक में लोग आते जाते हैं, हमारे लोग उनको किसी तरह से भी पानी की समस्या का सामना करें। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इनमें से काशीपुर में भी एक ऐसा शख्स है जो इस महंगाई के दौर में दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हुई महंगी से महंगी कारों का रंग खराब किए बिना बहुत ही कम दामों में सूखा डेंट हटा देता है। इस बारे में सूखा डेंट एक्सपर्ट अफसर खान ने बताया कि कार कंपनियों के शोरूम में निराश होकर लोग उनके पास कार का डेंट हटवाने आते हैं। यही वजह है हमारे यहाँ उत्तराखंड के अलावा यूपी से भी तमाम लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। बनी करने के लिए काम आया था 864,000 रुपए, सचिव ने उसमें कफायदी साइन करके पैसे निकाल दिए गए। हमने सारी जगह जितने भी विभाग हैं, नैनीडाणा, धुमाकोट, विधायक, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, सबके लिए विभाग में यहाँ रेंजर साहब, डीओ साहब, सबके लिए हमने चिट्ठियाँ लिख करके भाई ऐसे ऐसे इन्होंने कफायदी साइन करके बैंक से पैसे निकाल दिए गए, उसके बावजूद कोई हमारे सुने नहीं रहा, तो हम क्या करें आगे। श्रीमती ललिता रत्ना कर जी ने मेरा नाम जगदीचंद जोशी बंसहन नैनीडाणा राजी उत्तर प्रकरण जो ये है आपका बोला हुआ है, इसकी जांच चल रही है कि प्लांटेशन ग्रीन इंडिया मिशन। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इनमें से काशीपुर में भी एक ऐसा शख्स है जो इस महंगाई के दौर में दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हुई महंगी से महंगी कारों का रंग खराब किए बिना बहुत ही कम दामों में सूखा डेंट हटा देता है। इस बारे में सूखा डेंट एक्सपर्ट अफसर खान ने बताया कि कार कंपनियों के शोरूम में निराश होकर लोग उनके पास कार का डेंट हटवाने आते हैं। यही वजह है हमारे यहाँ उत्तराखंड के अलावा यूपी से भी तमाम लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये एक मालिक ने हुनर दे रखा और कोई गाड़ी एजेंसी पहुँच जाती है वहाँ से मेरे पास वापसी आई है कि ये ड्राई डेंट वहाँ जाइए अफसर भाई के पास वो निकालेंगे। एजेंसी वाले खुद मेरे पास गाड़ी भेजते हैं कि ये गाड़ी वहाँ ले जाइए, आप ये बिना रंग खराब करें अफसर भाई करें। मैंने काम डेली सीखा। अच्छा, किसको आप इसका श्रेय देते हैं, कौन है? मेरा उस्ताद। अच्छा, मेरे उस्ताद वहाँ पर मामू नाम से डेंट रहे, अशोक झा, अशोक झा, और बहुत बहुत दूर से हल्द्वानी, नैनीताल, बालागढ़ और जसपुर पूरे क्षेत्रों से, यूपी से भी मेरे पास गाड़ी आती है। किस प्रकार का डेंट निकालते हैं आप? हम डेंट निकालते हैं, हमारे हाथ से रंग नहीं खराब होता, भी हमारे हाथ से रंग नहीं खराब होता। हम हर गाड़ी की, गाड़ी पलटी भी हो, जैसी भी हो, हम गाड़ी का डेंट निकालते हैं। ऐसे 8 दिन लगते हैं, उस गाड़ी को हम 1 या 2 दिन में कम्प्लीट कर देते हैं, बिना रंग खराब करे पूरी गाड़ी का डेंट निकाल देते हैं। कोई हमारे हाथ से रंग नहीं खराब होता, कुछ नहीं होता। लोग सोचते हैं, आते हैं रोते हुए, और जब हम काम करते हैं तो जाते हैं हंसते हुए, हाथों हाथ। जो बंदे कहते हैं हम 2 दिन लगाएंगे, हम उसको 2 घंटे में काम को कर देते हैं। अल्मोड़ा के बसौली जंगल में लगी आग कुछ ही देर में महिंद्रा रिजॉर्ट तक पहुंच गई, जिससे रिजॉर्ट के कमरों के आगे वाले हिस्से में बने लकड़ी के पिलर जल गए, लेकिन पर्यटकों को सुरक्षित कर लिया गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट के बाराकोट ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय देवराड़ी में 40 छात्र छात्राओं में एक ही शिक्षक के होने पर अभिभावकों ने पूरे शिक्षकों की मांग को लेकर स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर स्कूल में मानकों के अनुसार सभी शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई, तो वह सीईओ कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह पिस्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के पतलचौरा
सड़क निर्माण कार्य के पूरा न होने पर मरीजों को डोली के सहारे अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। इसी से परेशान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग की है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रानीखेत में रोडवेज डिपो पर पहुंचे परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने विधायक प्रमोद नैनवाल की मौजूदगी में डिपो की समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया और पूर्व में स्वीकृत एआरटीओ कार्यालय को जल्द शुरू करने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागिरा न्यूज चैनल। धन्यवाद।